गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 14.2। लेट स्टार्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है। आपको तीन स्टेटमेंट दिए, यहाँ से देख सकते हो आप, आपको ये बताने ट्रू है या फॉल्स है। आपको मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी करवाया था कि ये आपको लेना कैसे है। देखो यहाँ पर अगर ए बी लिखा हुआ तो इसके ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ए बी चलो यहाँ पर ले लेते कि कॉमन है, लेकिन उसके बाद देखो ए सी बी डी के इक्वल है, तो ए सी कहाँ है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका बी डी यहाँ है, लास्ट के टू आपका बी डी भी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लास्ट पॉइंट और एक फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सिक्वेंस नहीं हो सकता, ए बी के इक्वल है, बी सी बी डी के इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए किसका, ए सी इक्वल है ए डी, ठीक है। ए सी इक्वल किसके चाहिए हमें, बी डी के, इक्वल चाहिए बी डी के। लेकिन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल है, बी सी बी डी के इक्वल है, और ए सी हमारा ए डी के इक्वल है। तो ये तो आपका ये हो नहीं सकता, ये फॉल्स है जो इस ट्राइंगल में दिखाया। हमें चाहिए ए सी बी डी के इक्वल। आप ये देखिए कि ए सी और बी डी के इक्वल किस में है, यहाँ पे ए बी ए डी के इक्वल है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ए सी और बी डी अब इसमें इक्वल है, ठीक है। ए बी बी ए के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, और ए सी बी डी के इक्वल है, तो ये वाला हमारा क्या है, ट्रू है। समझ में आ गया कैसे लेना है। आपको ये देखना है कि ये सीक्वेंस बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो आपको साइड दे रखी है वो यहाँ पे भी इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आनी चाहिए। आप देखो ये ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना था, ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको इसको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। उस कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको पता तीन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, या तो तीन साइड होनी चाहिए, या दो एंगल एक साइड, या दो एंगल दो साइड एक एंगल, ठीक है। राइट हैंड साइड में एक राइट हैंड, एक आपका राइट एंगल और एक हाइपोटेनस, एक एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये देखिए ए डी बी सी इक्वल दे रखा है, ए और बी इक्वल दी गिवन है, सिर्फ फिगर गिवन है। फिगर में आपको ये दो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये कि ये दो साइड इसमें इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल बी डी सी इक्वल डी। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी जो यहाँ पे वही आपको याद नहीं है, बस यहाँ पे इन लगा दो और इसके जगह पे एंड लगा दो, ठीक है। तो ए डी इक्वल बी सी गिवन है, एंगल ए बी गिवन है। अब एक चीज और हमें चाहिए क्या, साइड या कुछ भी जो एंगल हो, तो लेकिन हमारे पास क्या है, ए बी इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए बी कॉमन, ये आपकी ए बी डी और ये है आपकी बी ए बी ए सी बी ए सी, तो ये वाली साइड इसमें दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा ए बी डी कॉन्ग्रेंट बी ए सी बाई एस ए एस रू। अब देखो ए सी इक्वल बी डी, ठीक है, ये हो जाएगा सी पी सी टी से, पता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसके बाद सी ओ टी पी क्या होगा, सी पी सी टी से, ठीक है। ये समझ में आ गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं अपने आप ही आपके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आपका थर्टीन क्वेश्चन, थर्टीन क्वेश्चन में आपको पार्ट गिवन है, ठीक है। पार्ट में आपको ये बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं, आपको मेजरमेंट गिवन है, आपको मेजरमेंट गिवन है, तब आपको ये सिर्फ ये देखना है कि इक्वल है, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, या फिर एंगल इक्वल है या नहीं है। इसमें भी कुछ आपका थोड़ा बहुत देखो, एक आपको मैं करवा रही हूँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, बाकी आप खुद से करेंगे सारे पार्ट, ओके। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको देखा ए बी सी, ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ इक्वल है, ए बी की पी क्यू की इक्वल है, बी सी क्यू आर की इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, मतलब दो साइड और एक एंगल आपका इक्वल है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रेंट बी पी क्यू आर, कौन से रूल से, बाय एस ए एस, इनकी दो साइड और दो दो साइड एक एंगल, ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आप देखो क्या है, ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ए बी में ए बी सी में क्या है, ए बी 4 है, पी क्यू आर में पी क्यू 4 सेंटीमीटर इक्वल है, बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका इक्वल है। थर्ड एंगल जो है एंगल ए इक्वल एंगल एंगल ए 50 डिग्री, एंगल पी 50 डिग्री, देखो एंगल भी इक्वल है लेकिन ये फिर भी आपका कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये देखिए, जो आपको साइड गिवन है ना, जैसे आपकी साइड है आपकी
ए ये बी सी और क्यू आर, इसके एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बी सी और क्यू आर जो आपको इक्वल गिवन है उसका एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आपको एंगल क्या है, ए और बी, ए पी दे एंगल गिवन है आपको, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था एंगल बी और क्यू, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए क्या ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आपके जितने पार्ट है आप खुद से ट्राई आउट करोगे। ओके, तो ये आपका वर्क है कि 14.2 को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। 14.2 को क्या करना है, कंप्लीट। अब आपका पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।